Let's do question number third of exercise 1.3, that is number system. Question number third is, express the following in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0. Friends, first part is 0.6 pe bar. Friends, isko hume P upon Q ki form mein karna hai, where Q is not equals to 0. Right, friends? नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होगी. अब 0.6 पे बार का मतलब होता है 0.6666, राइट फ्रेंड्स? तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल्स टू 0.6 पे बार मान लेंगे. अब हम इस फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जिससे कि हमारा वैल्यू 6.666 आ जाए, जिससे कि हम इससे माइनस करें तो भी ये लास्ट की वैल्यू जीरो हो जाए, पॉइंट के बाद की वैल्यू जीरो करने के लिए. तो मल्टीप्लाई, ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10. तो ये क्या आ जाएगी, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10 इंटू एक्स इज 10x इक्वल्स टू 0 इंटू वो सॉरी 0.666 बार इंटू 10. तो ये क्या हो जाएगा, 6.6666 बार, राइट फ्रेंड्स? तो ये क्या आ गया, 6.6 बार लगा दिया यहीं पे ही मैंने. अब ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकेंड, राइट फ्रेंड्स? अब इस वाली इक्वेशन में इस वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. तो सेकेंड में से माइनस करना है, तो पहले सेकेंड वाली लिख दी 6.6 बार, और उसमें से दोनों तरफ माइनस लगा के फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख दी 0.6 बार. तो ये देखिए 10 में से 1 गया 9x, 6.6 बार में से 0.6 बार चला गया, तो ये तो 0 हो गया, 6 में से 0 गया 6. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6/9, और वी कैन से दैट अगर इसको काटें 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9, दैट मींस 2/3 इज द आंसर. लेट्स डू सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट इज 0.47 और 7 पे बार, राइट फ्रेंड्स? अब देखिए यहां पे बार है, तो हम x मान लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार. फ्रेंड्स, हमेशा पॉइंट इधर होना चाहिए, बार से जस्ट पहले. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम उसको 10 मल्टीप्लाई करते हैं. तो अब पहले इसे दोबारा मल्टीप्लाई करने पड़ेगा. ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10. तो क्या हो गई, ये हमारी 10x इक्वल्स टू, ये पॉइंट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से इधर आ जाएगा 4.7 बार, राइट फ्रेंड? ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड. अब ये वैल्यू होनी चाहिए, देखिए पॉइंट के बाद जस्ट बार होना चाहिए, ये आना चाहिए जो गिवन होना चाहिए, राइट? लेकिन अब गिवन ये था, तो हमने इसको इसी फॉर्म में लिया है. अब फिर से हम इसको ये पॉइंट इधर लाएंगे, जिससे कि अब हमारा है 4, देखिए 4.7 बार. लेकिन अगर हम इसमें से 0.47 बार माइनस करेंगे, तो देखिए ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 और 4.3 आ जाएगा. तो ये नहीं आना, हमें 4.0 चाहिए था, कुछ पॉइंट के बाद 0 आना चाहिए. तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, और मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 10. आप यहां से भी कर सकते थे, लेकिन ये मैं समझाने के लिए कर रही हूं. तो 10 इंटू 10 इज 100x इक्वल्स टू, ये आ गया 47.7 बार, एक बार पॉइंट इधर आ गया. 4.7 बार का मतलब है 4.77 बार. तो ये पॉइंट इधर लिया है किसका के, राइट फ्रेंड्स? 10 से मल्टीप्लाई होने के. अब ये आ गई हमारी इक्वेशन थर्ड. आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को, क्योंकि ये फॉर्म चाहिए थी हमें, राइट फ्रेंड्स? तो सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, राइट फ्रेंड्स? तो थर्ड इक्वेशन में से माइनस करना है, तो पहले थर्ड इक्वेशन लिख दी, फिर माइनस फर्स्ट सेकंड इक्वेशन लिख दी, राइट फ्रेंड्स? सेकंड इक्वेशन ये क्या थी, 4.7 बार. तो अब देखिए 100 में से 10 गए 90, x इक्वल्स टू 47.7 बार में से 4.7 बार गया, तो कितना आया, पॉइंट के बाद तो जीरो आ गया, और ये कितना आ गया, 43, राइट फ्रेंड्स? तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 43/90 इज द आंसर. लेट्स डू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज 0.001 पे बार. फ्रेंड्स अब ये पॉइंट हमें यहाँ पे है 001 पे, राइट फ्रेंड्स? अब हमें ये क्या आएगी, अगर बार है 001, 001, 001, राइट फ्रेंड्स? अब हमें ये पॉइंट इसके बाद यहाँ चाहिएगा, राइट फ्रेंड्स? तो लेट x इक्वल्स टू 0.001 बार, ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई. अब हमें पॉइंट सीधा यहाँ चाहिए, क्योंकि पॉइंट ये बात सेम आती रहेगी, तो हम क्या करेंगे, इसको तीन के बाद शिफ्ट करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 1000, तो ये कितना आ गया, 1000x इक्वल्स टू 1, क्योंकि 0.001 इंटू 1000 कितना हुआ, 1 ही आया. देखिए कैसे पॉइंट हटाया तो 1000 नीचे आ गया, ये कैंसिल हो गया तो 1 ही बचा, तो 1.001 बार. ये 001 बार, ये सिर्फ मैंने इसका दिखाया, ये पॉइंट इधर सिर्फ 1 कैसे बचा, ये सॉल्यूशन इसका है, राइट फ्रेंड्स? तो अब देखिए ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकेंड. अब इस इक्वेशन में से इसे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, राइट फ्रेंड्स? तो सेकेंड क्या थी, 1000x इक्वल्स टू 1.001 बार, इसमें से माइनस किया x, इसमें से माइनस किया 0.001 बार, तो 1000 में से 1 गया तो 999 आ गया x इक्वल्स टू, अब इसका ये पॉइंट के बाद वाला कैंसिल हो गया तो 1 बच गया, तो x क्या आ गया, 1/999 इज द आंसर. ये देखिए p अपॉन q की फॉर्म में. थैंक यू. इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.